गर्ल गेम स्केड्यूल खत्म कर झूम के नाचे सलमान खान। जी हाँ, सोशल मीडिया पर सलमान खान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी सुपरहिट फिल्म मुझसे शादी करोगी के पॉपुलर ट्रैक जीने के है चार दिन पर नाचते नजर आ रहे हैं और अपना मशहूर टॉवल सिग्नेचर स्टेप कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो टर्की से सामने आया है जहां सलमान टाइगर 3 की शूटिंग में बिजी है। हालांकि सलमान और कैट ने तुर्की का स्केड्यूल तय वक्त से पहले ही पूरा कर लिया है और सलमान खान की टीम के साथ अगले स्केड्यूल के लिए ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रिया पहुंचने से पहले तुर्की में टाइगर 3 की टीम के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई जहाँ सलमान खान ने ये डांस किया। आपको बता दें कि तुर्की में परमिशन का इशू होने की वजह से तय वक्त से पहले ही यहां का स्केड्यूल पूरा किया गया। सोर्सेस ने बताया है मेकर्स ने 3 हफ्ते के लिए एक स्केड्यूल तैयार किया था लेकिन प्रशासन ने कोविड की स्थिति को देखते हुए केवल 15 दिनों के लिए अनुमति दी। तुर्की सरकार ने टीम के लिए सख्त बायो बबल रखा था। कास्ट और क्रू को पूरी शूटिंग रीस्केड्यूल करनी पड़ी। वास्तव में सलमान जो आमतौर पर सुबह जल्दी शूटिंग करना पसंद नहीं करते हैं वो भी सेट पर सुबह मौजूद रहे और देर शाम तक रहते थे। उन्होंने कटरीना और इमरान हाशमी के साथ कुछ फाइट सीक्वेंस और एक गाने की भी शूटिंग की है। वहीं फिल्म के रैप अप पार्टी के दौरान सलमान ने जीने के चार दिन सॉन्ग पर पूरे जोश के साथ टॉवल डांस करते हुए भी नजर आए। टीम अब अपने अगले स्केड्यूल के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंच गई है। वहीं सोर्सेस ने आगे बताया टीम पहले ही वियना पहुंच चुकी है। उनके भारत वापसी से पहले यहां लगभग 2 हफ्ते का क्विक स्केड्यूल होने जा रहा है। मेकर्स ने यहां भी एक गाने के सीक्वेंस को शूट करने का प्लान बनाया है और फिल्म के कुछ महत्वपूर्ण सीक्वेंस को भी रैप किया जाएगा। वो कुछ एक्शन सीन की शूटिंग भी करेंगे। इसके लिए निर्माताओं ने दक्षिण कोरिया के कुछ स्टंट आर्टिस्ट को भी बुलाया है। वही जाहिर है कि शूटिंग निपटाने के बाद सलमान खान टाइगर 3 की टीम के साथ खूब चिल भी कर रहे हैं जिसका सबूत है उनका ये वायरल वीडियो। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।